यह है साउथ गुजरात के डांग का कोसमाल वाटर फॉल। एंड गेस व्हाट, ये गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है और यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, पर कहते हैं ना, असली मजा मंजिल का नहीं सफर का होता है। और इस सफर में मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं। ट्रैवलिंग डॉक्टर चैनल, ट्रैवल फूड एंड मोर। दोस्तों, आज अर्ली मॉर्निंग में अपने अगले मॉनसून ट्रेक के लिए निकल चुका हूँ। आज जो वाटरफॉल हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है। कोसमाल वाटरफॉल सूरत से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जाने के लिए जो रूट लिया था वो था सूरत, पलसाणा, बारडोली, व्यारा, पेंसकात्री और लास्ट में कोसमाल। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रास्ते के दोनों साइड लगे हुए हरे भरे पेड़ों के बीच से गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ खुद आएंगे तो ही आपको पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ड्राइव करने के लिए मैं हर साल मॉनसून का इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों, मैं कोसमाल वाटरफॉल जा रहा था लेकिन भैंसकात्री से आगे ये थोड़ा एरिया ऐसा आ गया कि यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी रोके बगैर रह नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही है, पंखड़ पानी की आवाज़ आ रही है। मॉनसून में अगर आप डांग में आएंगे तो आपको ऐसे ही पानी बहता हुआ मिलेगा और ऐसे ही ग्रीनरी चारों तरफ आपको दिखेगी। तो आप कहीं पर भी रुकेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अपने सिटी लाइफ से दूर डांग में आइए, वीकेंड में आइए, फैमिली को लेके आइए, फ्रेंड्स को लेके आइए और पिकनिक मनाइए। तो यहाँ पे फ़ोटो लेना तो बनता है, तो जाके फ़ोटो लेते हैं थोड़े बहुत और बाद में जाते हैं कोसमाल। तो चलिए अभी वापस चलते हैं कोसमाल वाटरफॉल की ओर। अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15-20 किलोमीटर बाकी रह गया है। दोस्तों, रास्ता कालीबेल गांव है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता आपको मिलेगा। कालीबेल गांव से सीधा जाएंगे तो डॉन हिल स्टेशन आता है, लेकिन हमें राइट साइड पे टर्न ले लेना है। पहले हम पांडरमाड़ गांव जाएंगे और उसके बाद कोसमाल गांव जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भिगू वाटरफॉल, कोसमाल वाटरफॉल जाना है तो 6 किलोमीटर है यहाँ से, इस साइड जाना है। रास्ते में कई जगह पे ऐसे नज़ारे आपको दिखेंगे कि आप वहाँ पे फोटो लिए बगैर नहीं रह पाए। ये पांडरमाड़ गांव है, इससे आगे जाना है हमें, क्योंकि ये रास्ता गांव के बीच से जाता है तो थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा रास्ता और थोड़ा कच्चा रास्ता भी बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन हरे भरे खेतों के बीच ड्राइविंग करने का मजा आपको बहुत ही। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच गए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजू बाजू गाड़ियां पार्क है यहाँ पे ये। तो चलिए हम भी गाड़ी पार्किंग की जगह ढूंढते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवलिंग डॉक्टर, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी है मॉनसून का सीजन, तो मॉनसून में जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी होती है, सारे वाटरफॉल एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं आज आ गया हूँ आपको लेके कोसमाल वाटरफॉल पे। तो ये जो कोसमाल वाटरफॉल है उसको भिगू वाटरफॉल भी बोला जाता है। तो ये जो है गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है ऐसा बोलते हैं। तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तब से मेरा ड्रीम था कि मैं कोसमाल वाटरफॉल का वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ वजह से वो रुक जाता था, लेकिन फाइनली आज मैं कोसमाल वाटरफॉल पे आ गया हूँ। तो मैं हूँ अभी कोसमाल वाटरफॉल के पार्किंग एरिया दोस्तों में। आज संडे का दिन है और यहाँ पे करीबन 100 से 150 गाड़ियाँ है और सब गाड़ी पार्क हो चुकी है और कई सारे टू व्हीलर्स भी है। तो गांव के लोग जो है, ये कोसमाल गांव के लोग, वो अपने घरों के आसपास ही गाड़ी और टू व्हीलर पार्क करवा देते हैं, तो पार्किंग का आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है यहाँ पे। कोसमाल वाटरफॉल जो है वो गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है, तो इसी वजह से यहाँ इतनी गर्दी लगी हुई है। वैसे भी आज संडे का दिन है और बारिश का मौसम है तो गर्दी तो लगनी ही है। यहाँ से आगे जाना है भिगू वाटरफॉल के लिए, उधर से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग, छड़ी भी ले ली है मैंने।
बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैकिंग है यहाँ पे। बारिश चालू होती है तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। लोग अपने डॉगी को लेके भी आए हुए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको पूरा ट्रैकिंग का रास्ता दिखाऊंगा। कई लोग आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे सही में डिफिकल्ट ट्रैकिंग है। तो ऐसा क्या डिफिकल्ट है वो आपको अगर देखना है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको वॉटरफॉल पे भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वॉटरफॉल कितना बड़ा है यहाँ का। तो ट्रैकिंग के रास्ते में आपको ऐसे कुछ स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे लोकल डांगी लोग कुछ ऑर्गेनिक चीजें बेचते हैं, और यहाँ पे आम, स्टार फ्रूट, ककड़ी और भुट्टा मिलेगा। तो वॉटरफॉल पे आए तो ये देसी कैरी का मजा भी लीजिए बारिश की मौसम में। एकदम स्वीट है, ये टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम नेचर के बीच में आ गया हूँ। हल्की हल्की बारिश चालू है, आजू बाजू ग्रीनरी है, बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों वॉटरफॉल एंजॉय करना है तो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, अपने डांग में ही आइए, यहाँ पे बहुत सारे वॉटरफॉल्स है। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो इतने सारे स्टॉल्स है फूड के। ओह, सोचिए बाहर बारिश चालू है और आप यहाँ पे चाय और पकौड़ा खा रहे हैं, कितना मजा आएगा आपको। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बैठ के आप खाना पीना खा सकते हैं। नीचे बांस का पुल बना हुआ था लेकिन अभी वो टूट गया है। नीचे एकदम स्टीप स्लोप है, यहाँ से अभी डिफिकल्ट ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है अभी, पूरा ट्रैकिंग ऐसा ही है अभी। एकदम स्टीप स्लोप है। तो दोस्तों मुझे लगा था कि यहाँ पे डिफिकल्ट ट्रैक है तो क्राउड यहाँ पे कम होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, यहाँ पे सफर तो खूबसूरत है लेकिन मंजिल थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उसका भी एक मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग ट्रैकिंग। तो आपको भी अगर ट्रैकिंग करना है, ट्रैकिंग आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कोसमाल वाटरफॉल पे आइए। मानसून की सीजन में ही आइए, अगर बारिश चालू होगी तो ट्रैकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रैकिंग का मज़ा बहुत आने वाला है आपको यहाँ पर। तो ज़रूर यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आइए, ये जो स्टिक है ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। तो पीछे वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होगी अभी आपको। दो वाटरफॉल है यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक उस साइड है। तो चलिए अभी इतना ट्रैकिंग करके आए हैं, सुनाएंगे तो सही, तो चलिए आने का आनंद लेते हैं।
दोस्तों कोसमल वाटरफॉल में आके नहा के बहुत मज़ा आया। तो आप भी यहाँ पर आइए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और इन्जॉय करिए। जैसे हम ट्रैकिंग करके नीचे आए वैसे अभी ऊपर जाना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कोसमल वाटरफॉल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। तो घूमते रहिए और खाते रहिए, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।